वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। आने वाले 1 नवंबर 2020 से कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम जनता यानी कि आपकी जेब पर पड़ेगा। तो ऐसे में ये खबर आपको बेहद ध्यान से देखनी चाहिए। दरअसल देश में 1 नवंबर से रसोई गैस सिलेंडर यानी कि LPG से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। इसमें डिलीवरी सिस्टम से लेकर गैस सिलेंडर की कीमत शामिल है। इस नए सिस्टम को DAC का नाम दिया जा रहा है, यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। पहले 100 स्मार्ट सिटी में यह सिस्टम लागू होगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं 1 नवंबर से क्या कुछ बदलाव होने वाला है, साथ ही इसका आप पर क्या असर होगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में हम यह भी जानेंगे कि अब आपको करना क्या है। सबसे पहले फटाफट जान लेते हैं कि आखिर 1 नवंबर से क्या क्या नियम बदल जाएंगे। तो सबसे पहले LPG सिलेंडर डिलीवरी पर आपको OTP देना होगा। ऐसे में अपडेट कराएं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इंडियन गैस ने बुकिंग के लिए अपना नंबर बदल दिया है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब आपको इसी नंबर पर कॉल या SMS करना होगा। इसके अलावा LPG गैस सिलेंडर की कीमतें भी 1 नवंबर से बदल सकती हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि अब केवल बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिलेगी। 1 नवंबर से LPG गैस सिलेंडर की डिलीवरी का पूरा प्रोसेस बदलने वाला है। अब से गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आएगा, तब ये OTP आपको डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा। एक बार इस कोड का सिस्टम से मिलान करने के बाद ही ग्राहक को सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी। बिना OTP सिलेंडर को डिलीवरी करने से डिलीवरी बॉय मना भी कर सकता है। तो ऐसे में आपको OTP बेहद सावधानी से संभाल कर रखना होगा। तो इस बदलाव के चलते उन कस्टमर्स की मुश्किलें बढ़ जाएंगी जिनका एड्रेस गलत है और मोबाइल नंबर भी गलत है। तो इस वजह से उन लोगों की सिलेंडर की डिलीवरी भी रोकी जा सकती है। ऐसे में सभी ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वो अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, ताकि उन्हें सिलेंडर की डिलीवरी लेने में किसी तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। हालांकि यह नियम कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के लिए लागू नहीं होगा। मतलब 1 नवंबर से पहले आप अपना मोबाइल नंबर जरूर अपडेट करा लें। वहीं अगर आप इंडियन गैस कंपनी के ग्राहक हैं, तो अब आप पुराने नंबर पर गैस बुक नहीं करा पाएंगे। इंडेन ने अपने LPG ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गैस बुकिंग करने के लिए एक नया नंबर भेजा है। इसके जरिए आप गैस रिफिल के लिए सिलेंडर बुक करा सकते हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि पहले रसोई गैस बुकिंग के लिए देश के अलग अलग सर्किल के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर होते थे। अब देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने सभी सर्किल्स के लिए एक ही नंबर जारी कर दिया है। इसका मतलब कि अब इंडियन गैस के देश भर के ग्राहकों को LPG सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या SMS भेजना होगा। और आखिर में आपको बता दें कि 1 नवंबर से देश की सरकारी तेल कंपनियां LPG सिलेंडर के रिवाइज्ड प्राइस यानी कि बदली हुई कीमतें भी जारी करेंगी, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतें तय की जाती हैं। हालांकि सिलेंडर सस्ता होगा या फिर महंगा, या तो 1 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन बदलाव सिलेंडर की कीमतों में होना तय माना जा रहा है। मालूम हो कि अक्टूबर में ही ऑयल कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन इसी तरह की अपने काम से जुड़ी दूसरी रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।